हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं। इसकी खास बात ये है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी लेवल एग्जामिनेशन का रहता है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम देते हैं, ताकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहले खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है, एंड हमें बिना चीटिंग किए ये भी जरूर बताना है कि आपने इस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितना आपका स्कोर बना। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज कॉल्ड व्हाट। सो देखो, ये रिसर्च के टाइप्स में से क्वेश्चन है। एक ऐसे रिसर्च का नाम पूछा गया है जिसको हम, अगर नॉलेज हमारे पास है तो इमीडिएटली, यानी कि तत्काल उसका आवेदन हम कर सकते हैं। ऑप्शंस है एक्शन रिसर्च, एम्पेरिकल, कॉन्सेप्चुअल या फिर फंडामेंटल रिसर्च। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। सो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है हमारे पास बेसिक रिसर्च, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज को गेन करते हैं, लेकिन उसको एकदम से कहीं पे यूज नहीं करते। तो ये पहला टाइप होता है रिसर्च का। इसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है एक्शन रिसर्च, जो कि कहता है कि फंडामेंटल रिसर्च में आपने जितना भी नॉलेज गेन किया, उसको अभी एक्शन में लेकर आने का समय है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इमीडिएट एप्लीकेशन है, करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आप लोगों ने पेपर वन बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आपके लिए हम फाइनल रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ लेकर आए हैं, जहां पर आपको पेपर वन के यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड जो भी स्टेट्स हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन हम आपको यहां पर देते हैं। ये गारंटेड क्वेश्चंस हैं, हर एक यूनिट में से अगर हम बात करें तो आपको 200 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए, लगभग हर यूनिट के अगर 100 क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेते हो, तो भी बहुत आसानी से आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड यकीन मानिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर लगभग 50 से 80 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, उसके बाद ही आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट्स बार बार में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये क्विक रिवीजन पीडीएफ पेपर वन में अच्छा स्कोर करने में। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है, एंड इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी, 699। तो जल्दी से आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। ये तो देखो बचपन में सबने पढ़ा है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। सो ये यूनिट आईसीटी यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है। पूरा आप लोगों के पास, जैसे ये पूरे दो क्वेश्चंस लिखे हैं हिंदी इंग्लिश में, इस पूरे पेज को सेलेक्ट करना है, तो क्या शॉर्टकट की यूज होगी, कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस के। सो देखो, एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब ऑल डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, सो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आईसीटी यूनिट किस तरीके के शॉर्टकट कीज की वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, अगला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मींस। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है? सो देखो, इसके नाम को पहले समझते हैं। फैक्टो मतलब फैक्टर, कोई फैक्टर हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर बोला है पोस्ट, यानी कि बाद में। तो देखो, इवेंट आ गया, इंसिडेंट आ गया और बाद में, ये दो टर्म्स आ गई। अब ऑप्शंस पर जाइए, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, कि कुछ घटना होने के बाद हमें रिसर्च करने का मौका मिला। द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर है आफ्टर, यहाँ पर है प्रायर। अगला है द रिसर्च कैरिड आउट अलॉन्ग विद The happening of the incident, कि कुछ incident हो भी रहा है, कुछ घटना हो भी रही है और हम साथ साथ में अपना research कर रहे हैं। The research carried out keeping in mind the possibilities of an incident, कि incident क्यों हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने इसका meaning आपको बताया, post facto, यानी कि incident होने के बाद। तो ये है option number वन। ये question as it is बहुत बार paper में आया है, हिमाचल का तो paper चलो बहुत सालों के बाद हो रहा है ना students, लेकिन बाकी के states के जो set exams हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है?
सो बनारस हिंदू, तेजपुर, दिल्ली, मद्रास. सो करेक्ट आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो ये है यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम का क्वेश्चन. आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? लिस्ट किसकी बनानी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की. देन वी हैव स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है? देन वी हैव डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज. तो आपको इस तरीके की एक लिस्ट बनानी है. अगर नहीं पता यूनिवर्सिटीज के नाम और चाहते हो कि सेपरेट वीडियो में लेकर आऊं, तो मैं जरूर लाऊंगी. आपको इस तरीके की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का पता होना चाहिए कब ये बनी गई थी, ठीक है? जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको कब, किसने और कहाँ पर एस्टैब्लिश किया था, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एस्टैब्लिश किया था. किस एक्ट के अंदर? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के अंदर वाराणसी में इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था. ओके, नेक्स्ट इज, आप देखो बैंक सब जाते हैं, ATM सबके सबने यूज किया होगा, ठीक है? तो ATM की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है. एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन. अब देखो ट्रांसफर तो हम कुछ भी नहीं करते हैं ना, ये क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. एनी टाइम मनी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनी टाइम मनी करके आएंगे और आंसर गलत हो जाएगा. फील्ड स्टडी, रिसर्च का क्वेश्चन है. फील्ड अध्ययन किससे संबंधित है? अब देखो फील्ड में जाते हैं ना, जैसे मान लो आपको लोगों के रिव्यूज लेने हैं किसी मूवी को लेकर के, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हुए फील्ड में जाते हैं और लोगों से उस चीज के बारे में पूछते हैं. तो वो उनके रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेबोरेटरी सिचुएशन है या कोई भी नहीं है. तो फील्ड में जाना यानी कि रियल लाइफ में लोगों की क्या सिचुएशन है, रियल लाइफ में लोगों के क्या व्यूज है किसी चीज को लेकर के, ये पता करने के लिए मदद करता है. एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड वॉट. सो देखो ये रिसर्च का क्वेश्चन है. रिसर्च में हम कई बार किसी चीज को मेजर करने की बात करते हैं. वो कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक कोई चेयर हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर उसका नाम मेंशन नहीं किया होता कि हम चेयर की बात कर रहे हैं, हम टेबल की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया होता. उसको रिसर्च में हम क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है वेरिएबल्स. सो रिसर्च में वेरिएबल्स ही जरूरी होता है. अब डेटा को तो आप नाम नहीं दे सकते हो ना, वेरिएबल्स को दे सकते हो, चर को दे सकते हो. अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स. एक रिसर्चर के पास 100 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3, 4 और 5, ठीक है? मान लीजिए 20-20 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. एंड फिक्सेस द साइज ऑफ ईच सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज कॉल्ड व्हाट. ठीक है, फिक्स कर दिया साइज, ये 20 है, 20 लोग यहाँ है. ऐसे जिस रिसर्च में लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है एज के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, तो ये कौन सी रिसर्च की सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड, कोटा, क्लस्टर या ऑल. सो इसका आंसर होगा ऑल. जहां पर भी ग्रुप्स मेकिंग की बात होती है वहां पर हमेशा ये तीनों चीजें आती है. स्ट्रेटिफाइड को याद रखिए स्ट्राटा से, स्ट्राटा का मतलब ही ग्रुप होता है, ठीक है? कोटा में भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं और क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप ही होता है. तो अगर देखें तो ये तीनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है? अब देखो रिसर्च में दो टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. सो इसमें जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक है, ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये आती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है? कोटा सैम्पलिंग आती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर. अब दे दिया एक होमवर्क क्वेश्चन कि बताइए स्ट्रेटिफाइड सैंपल जो है वो प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है. कमेंट करके जरूर बताना, पेपर में ये क्वेश्चन आना ही है जरूर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. द मेथड ऑफ रिसर्च यूज इन दिस प्रोसेस, ऐसे में कौन सा रिसर्च का मेथड यूज होता है? केस स्टडी, डेवलपमेंटल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल. सो यहाँ पर यूज होता है सर्वे मेथड. हर 10 साल के बाद सरकार सर्वे करती है ना, कितने लोग जिए, कितने लोग मरे, कितने लोगों की न्यू एंट्री हुई, दैट इज सर्वे. मीटिंग ऑफ एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस. अब देखो एकेडमिक एसोसिएशन है जहां पर एक ही जगह पर सारी एकेडमी के लोग मिल रहे हैं टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क, ठीक है? कि मान लीजिए पूरे 1 ईयर में 1 अप्रैल से लेकर के
31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है हमारे काम में, और फ्यूचर में यानी कि अगले साल के अपने क्या प्लान्स हैं, वो सब डिसाइड करने के लिए जो मीटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम। सो ये होते हैं कॉन्फ्रेंसेस। ओके, याद रखिए ये चार टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने कवर तो नहीं की है, लेकिन अगर आप कमेंट करके कहते हो तो ये चारों चीजें मैं जरूर कवर करूंगी, और जल्दी से जल्दी संडे को एक स्पेशल सेशन में इस बार आप लोगों का लेने वाली हूँ फिर इन्हीं चार टॉपिक्स पर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, सो भारत का संविधान कब बना था, सबको पता होगा, ये बना था 26 जनवरी 1950 को। 1 kilobyte consists of how many bytes? 1 KB is equals to what? ICT का question है, so it is always equals to 1024. ठीक है, ये हमने देखो students एक दो दिन में topic आने वाला है। अभी देखो आपने देखा होगा इसी YouTube channel पर ICT के videos चल रहे हैं, उसमें एक video आएगी memory Harari की, उसमें हम ये चीजों को discuss करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद रखिए। अगला है द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हाट, सो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ जरूरी दिन होते हैं और उनकी हर साल की कुछ थीम्स होती हैं, वो आपको पढ़कर जानी है। तो ये बनाया गया था 5 जून को, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर शेल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, सो देखो 2, 4 ये दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, हियर वी हैव द डिफरेंस ऑफ 10, डिफरेंस ऑफ 12, डिफरेंस ऑफ 14, सो अगला क्या आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ 16। ठीक है, सो इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे 272, सो ये आ गया करेक्ट आंसर 72। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 2 सेकंड में मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। यू मे एक्सीडेंटली इरेज अ रिकॉर्ड इन द शीट, सो ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर गलती से आप किसी भी शीट में कोई डेटा है, कोई रिकॉर्ड है, उसको गलती से इरेज कर देते हो तो व्हाट कमांड कैन बी यूज टू रीस्टोर इट इमीडिएटली। अब एकदम से आपको उस चीज को वापस लेकर आना है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? ऑप्शंस हैं इंसर्ट, रिप्लेस, कॉपी या फिर अंडू। अब देखो यहाँ पर इंसर्ट का मतलब है किसी नए डेटा को, किसी नए टेक्स्ट को ऐड करना। रिप्लेस का मतलब है किसी चीज के जगह पर, जैसे ए की जगह पर अगर मुझे स्मॉल ए लिखना है, कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए लिखना है तो वो रिप्लेस होगा। कॉपी का मतलब पता है, एक जगह से किसी चीज को कॉपी करो और एज इट इज वही चीज हमें दूसरी जगह पर चाहिए। और अनडू का मतलब होता है कि जो चीज अभी अभी हमसे गलत हो गई है उस चीज को हमें वापस सही करना है, तो इमीडिएटली अनडू अगर प्रेस करेंगे तो हम उस चीज को रीस्टोर कर सकते हैं। अनडू करने के लिए एक ऑप्शन होता है, एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट की होती है, बताइए वो क्या है? एग्जाम में जरूर आएगा कि अंडू की शॉर्टकट की क्या है, कमेंट करके बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट, सो देखो हर एक कंप्यूटर या हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए उसको एक नंबर दिया जाता है, उसको एक एड्रेस दिया जाता है। उस एड्रेस को क्या बोला जाता है? ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो स्ट्रीट एड्रेस तो होगा नहीं, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप सभी यूज करते हो, ईमेल एड्रेस आपकी हर एक आईडी, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे जुड़ा हुआ होता है। वो आपको बनाना है या नहीं बनाना है आपकी चॉइस होती है। लेकिन जब भी हम इंटरनेट पे जुड़ी हुई कंप्यूटर डिवाइसेस को एड्रेस देते हैं उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये यूनिक एड्रेस होता है, जैसे हर एक पर्सन का आधार नंबर अलग है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो बनाया गया है, वैसे हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज करता है, हर एक मोबाइल जो इंटरनेट को यूज करता है, सबका एक अलग आईपी एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है, The term TRP associated with TV show stands for what? So TRP का मतलब क्या है? Total rating points, time rating points, thematic rating points या फिर television rating points. So इसका correct answer TV है, तो television rating points ही होगा। Next is the normal blood pressure of human being is what? ये previous year pattern का question है। अब अगर हम latest pattern की बात करें तो ये वाले type के questions आपको नहीं पूछे जाएंगे,
ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सबको पता होता है 120 एंड 80 रहता है। ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर 1956। ये भी एक प्रीवियस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या है, तो क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपको भी ये सवाल है तो बस एक बार ना कमेंट कर दीजिए, ताकि उस पर सेपरेट वीडियो में लेकर आऊं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि अब के पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में लेकर आऊंगी, बस कमेंट करके बता दीजिए। व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुट नोट्स रेफर टू द सेम वर्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज यूज्ड। सो ये है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन। इसमें कहा है कि अगर दो फुटनोट्स हैं, वो एक ही वर्क को रेफर कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सप्रेशन यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर बताती हूं, जो कि है IBID। इसको आपने याद रखना है। अब पहले देखते हैं कि फुटनोट्स क्या होते हैं, पादलेख क्या होते हैं। ठीक है, सो फुटनोट्स आर नोट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ पेज। अब कोई भी पेज होता है, देखो कॉपी देख लो या फिर अपना इंटरनेट पे या कोई भी पेज देख लो, जहां पर नीचे पेज नंबर लिखे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये फुटनोट्स कहलाते हैं। ओके, इसमें कहा है कि दो फुटनोट्स या दो से ज्यादा फुटनोट सेम काम अगर करें तो उसको IBID से मेंशन किया जाता है। ओके, IBID का मतलब ही होता है सेम प्लेस, तो इसीलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखो इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। 100 लोगों की पॉपुलेशन है, एक रिसर्चर ने उस पॉपुलेशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। इस वाले हिस्से में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे वाले में ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, तीसरे में 10+2 वाले स्टूडेंट्स हैं, एंड यूजिंग रेंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच। सब में से उन्होंने रेंडमली कोई भी बच्चे को उठा लिया। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ा है, सैम्पलिंग वाली वीडियो देखी है, तो उसमें आपको पता होगा पूरी पॉपुलेशन को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। स्ट्रेटा का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप्स जिसमें कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रुप्स बनाने के बाद बोला है कि रेंडम डिजिट उठाए हैं, रेंडमली किसी भी बच्चे को यहाँ से सेलेक्ट किया है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड रेंडम सैम्पलिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। सैम्पलिंग का वीडियो अगर अभी भी नहीं देखा, उसका लिंक चाहिए तो कॉमेंट कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रीवियस ईयर है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जितने भी जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या मेंबर्स के नाम होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, ये एग्जाम में आता है। GDP मीन्स ग्रॉस, क्या होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विनेगर कंटेन्स, विनेगर सिरका सब लोगों ने देखा है घर में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। सो करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला है MS वर्ड में हम ट्रेजरस टूल्स को यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये स्पेलिंग सजेशन के लिए होता है, जैसे आप लोग मोबाइल में भी जब टाइपिंग करते हो, अभी आपने सिर्फ थोड़ा सा एक आधा शब्द लिखा होता है, आगे पूरी स्पेलिंग आ जाती है, क्या उसके लिए यूज किया जाता है। अगला है सिनोनिम और एंटोनिम, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द के लिए, किसी चीज के ट्रांसलेशन के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स के लिए। अब जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे हो, आप लिख रहे हो हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख, भूखा, उसका सिनोनिम एंटोनिम वर्ड अगर यूज करना है तो MS वर्ड में ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ICT का टॉपिक है, ICT में आपको पता होना चाहिए कि MS वर्ड में या पूरे MS ऑफिस में कौन कौन से टूल्स होते हैं
और किस टूल का क्या काम होता है। डिटेल में नहीं जाना, ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमने कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे ये सब कवर करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे जो सेशंस हैं उनमें जो होगा वही आपके लिए काफी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे वीडियोस भी अगर सिर्फ आप देखते हो एग्जाम तक, सिंसियरली कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को पेपर वन में 80+ स्कोर करने में, ठीक है। एंड लगभग लगभग 200 से लेकर के 300 तक की वीडियोस मेरी हैं जो कि आपके लिए काफी है। नेक्स्ट इज 40% ऑफ 50 इज 40% ऑफ 5 इज व्हाट। सो इसको आप ऐसे देखोगे, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2। सो ये आ गया 2। कैसे किया? 40%, जिसके आगे परसेंट है उसको 100 लिख दो उसके नीचे, और बाकी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 5 दिया है। एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 5 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। ओके, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये छोटे छोटे से। अब देखो इसमें कहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ये ब्लड रिलेशन का है, रीजनिंग वाली यूनिट से क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी ब्रदर्स हैं यानी कि मेल हैं। अच्छा, ब्रदर एंड सिस्टर्स कहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए भाई है, ए मेल है और बी फीमेल है। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है। मेल कैंडिडेट होंगे तो प्लस लिखेंगे, मेल के लिए हम प्लस लिखते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी डिटेल में अगर इस पे वीडियो चाहिए ब्लड रिलेशन पे ट्रिक्स के साथ तो कमेंट करके बता दो। टॉपिक्स बस आप कमेंट कर दो, मैं जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीक में सब चीजें लेकर आऊंगी। डी इज सीज सिस्टर, सी की जो बहन है वो है डी, ठीक है। एंड ई इज डीज मदर, डी की जो मदर है वो है ई, मदर है ई। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अब यहां पर पूछा गया है कि बी ई से कैसे रिलेटेड है। देखो ई के ये दो बच्चे हैं, और ई के दो बच्चे हैं और इनके ये दो बच्चे हैं। अब ए के फादर है सी, तो बी के भी तो फादर ही होंगे ना। तो ये क्या है, ये सन है, ये फादर है, सॉरी ये डॉटर है, ये फादर है और ये ग्रैंड मदर है। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो ये आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। आ गया समझ? बहुत इजी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा, ट्रिक्स चाहिए बस कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वॉज। पहले देखो फिल्म में बातें नहीं होती थी, डायलॉग्स नहीं होते थे, है ना, साइलेंट मूवीज होती थी। अभी टॉकी फिल्म जो है पहली वो कौन थी, वो थी आलम आरा, द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से था, अभी आगे नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो इट इज इन तमिलनाडु, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। कथकली, मोहिनी अट्टम एंड ओटम थलल आर फेमस डांसर्स ऑफ केरला, नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। सबसे ज्यादा वो कौन सा स्टेट है जो कि बाकी सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है। सो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आसाम। ओके, आसाम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द अब्सॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन वर्ब्स, नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये मत बोलना कि मैम इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो आपने क्यों हमारे साथ शेयर किया। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए थे, आपको बताने के लिए मैंने ऐड किए, लेकिन अपकमिंग एग्जाम में ये जो है जिन जिन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि नहीं है इम्पोर्टेंट, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए, चाहते हो कि डिटेल में मैं सिलेबस डिस्कस करूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। एंड जो बच्चे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो वहां पर भी अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।